वैसे कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन्हीं एसयूवी जो कि 5-स्टार रेटिंग है और बड़े भाई से मिलती जुलती इसकी लुक्स देखने को मिलने वाली हैं। 188 का ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है, 385 लीटर का ह्यूमंगस बूट स्पेस आपको सपोर्ट करता है, 10 इंच का है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, जो कुशाक में भी आपको देखने को मिलता है। तो हेलो हेलो एवरीवन, तो अपने सामने खड़ी हुई है एक मिनी एसयूवी जो कि 5-स्टार रेटिंग है और ये है टाइगुन, फोक्सवैगन टाइगुन। इसको वैसे कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये 5-स्टार रेटिंग कार है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑन रोड पड़ जाती है 15.98 लाख की आगरा के अंदर। मैं आगरा के अंदर फोक्सवैगन शोरूम में आया हुआ हूँ और अगर इसके बारे में और बात करी जाए तो 5-स्टार रेटिंग कार है और ये राइवल करती है क्रेटा, सेल्टोस, फोक्सवैगन की कुशाक को, जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। और हालांकि मान सकते हैं उसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, एक ही बात है, लेकिन इसमें कुछ प्लस फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आपको फोक्सवैगन वर्टिस की वीडियो देखनी है या 1.5 TSI मैनुअल की वीडियो देखनी है टाइगुन की, तो आप जाकर के देख सकते हैं द ऑटो स्टूडियो पर, लाइव करी हुई। तो आइए ज़्यादा बात ना करके बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। फ्रंट में देखें तो आपको बड़े भाई से मिलती जुलती इसकी लुक्स देखने को मिलने वाली हैं, जो कि डुअल रिफ्लेक्टर बेस हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, विद DRLs, नीचे फॉग लैंप्स आपको देखने को मिल जाएंगे और क्लेवरली यूज आपको पूरा क्रोम फिनिश का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। देन इफ वी टॉक आउट नीचे, तो आपको ब्लैक क्रोम का ट्रीटमेंट दे दिया गया है। एंड साइड से बात कर लें तो काफ़ी खूबसूरत से अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। 5 लग नट का ऑप्शन दिया गया है इसमें गुडियर के टायर के साथ। इफ़ वी टॉक आउट 205/60R16 का आपको रेडियल टायर आपको देखने को मिल जाता है। तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 188 का ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है, 2651 mm की इसकी व्हील बेस रखी गई है। तो अंदर जो लोग बैठे होंगे वो बहुत कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नीज को एंजॉय कर सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर कंपेयर किया जाए क्रेटा और सेल्टोस से ज़्यादा बड़ा व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है, सेम वर्टस के साथ है, वर्टस में भी 2651 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। बस अगर आपको सेडान का मज़ा लेना है तो दिस इज सेडान, 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है और 188 mm ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है इसकी है। दोनों ही 5-स्टार रेटिंग कार हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इंटीग्रेटेड हैं, आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर इंटीग्रेटेड हैं और काफ़ी नाइसली शेप्ड आपको ORVM देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपको फंक्शनल रूफ रेल्स देखने को मिलने वाले हैं, आप अपनी साइकिल वगैरह हैंग कर सकते हैं। शार्क फिन एंटीना ब्लैक एंड आउट है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पीछे से बात करें तो आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर स्टॉप लैंप, यहाँ पर आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको बैक वाइपर भी देखने को मिल जाता है। कनेक्टेड टेल लैंप है, TSI बैज, टाइगुन बैज और यहाँ पर फोक्सवैगन का बैज आपको देखने को मिल जाता है। पीछे आपको यहाँ पर रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाएगा विथ 3 पार्किंग सेंसर, और अगर आपको पता लगाना है ये 1.5 है या 1 लीटर है, तो नीचे आपको सिंगल मफलर के साथ जो है 1 लीटर का TSI इंजन मिलता है और 1.5 में आपको 2 मफलर देखने को मिल जाते हैं। तो आइए इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। सो दिस इज 385 लीटर का ह्यूमंगस बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, विद पार्शियल ट्रे, 2 स्ट्रट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और नाइसली डन है, कोई भी ऐसा कुछ एक्सपोज नहीं है जो आपको दूसरी गाड़ियों में देखने को मिलता है। फर्स्ट एड किट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको 3 kg के कैपेसिटी वाले हुक्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर अंदर बात कर लें तो अंदर के लिए यहाँ से उठाना पड़ेगा और आपको यहाँ पर स्टील रिम ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको जो टायर साइज देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है 195/65R15 का, और यहाँ पर टूल किट आपको नाइसली पैक्ड मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। 60/40 स्प्लिट्स का ऑप्शन रखा गया है इसके अंदर, इसको बंद कर लेते हैं और इसको इसकी मदद से बंद करेंगे, दैट्स डन। 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है। और अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहॉल्सी ही देखने को मिलेगी और यहाँ पर विंडो कंट्रोल्स और ये हार्ड प्लास्टिक, आपको 8 साउंड स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और डोर क्वालिटी की बात करें तो आप थर्ड सुन ही चुके होंगे, अंदर आ चुके हैं। 2 AC वेंट मिल जाते हैं, टाइप सी के 2 पोर्ट मिल जाते हैं, जिससे कि पैसेंजर परेशान नहीं होने वाले पीछे वाले। देन इफ वी टॉक अबाउट कप होल्डर, तो यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और 3 हेडरेस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं वर्टस और टाइगुन में। तो गाइज ये हेडरूम और मेरी रेफरेंस हाइट 5'11" है, तो उसके हिसाब से वर्टस से ज़्यादा हेडरूम आपको पीछे की सीट्स पे मिल जाता है। 2 रीडिंग लाइट्स देखने को मिलने वाली हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें, शायद ये देखिए, ये मेरे को लगता है बैटरी का इशू है इस समय। और
ये है ग्रैब हैंडल जिसमें आपको हुक भी देखने को मिलने वाला है। तो कंफर्टेबल राइड होने वाली है क्योंकि मैं स्कोडा कोशाक के अंदर एक अच्छी जर्नी करके आया हूँ, तो सेम प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है सब कुछ। तो सब कुछ आप ये देख सकते हैं, नी रूम और हेड रूम की बात करें, सो विंडोज पे बात करें तो फोर विंडो कंट्रोल्स विद लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है और ORVM में कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक का ऑप्शन गेट के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, डोर ओपनर मिल जाता है, यहाँ पर सिक्योरिटी लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, मैनुअली एडजस्टमेंट वाले सीट्स देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स पूरे मिल जाएंगे और AC वेंट्स। यहाँ पर सैटन ग्रे फिनिश का आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलता है और इधर बात करें तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ एनालॉग में मिल जाएगा और यहाँ पर छोटी सी MID डिस्प्ले मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, ये है लेदर रैप स्टीयरिंग विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों तरफ, फोक्सवैगन का लोगो, एयरबैग्स के एयरबैग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और ये 3-4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल्स और तो और ऐसी कुछ की मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं, ये है लॉक बूट रिलीज और अनलॉक का ऑप्शन और ये फ्लिप की है, ये आप देख सकते हैं। और तो और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 10 इंच की स्क्रीन देखने को मिलने वाली है और इसको स्टार्ट करने के लिए हमें एक जो ट्रेडिशनल स्टाइल होता है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऑन हो चुका है। और तो और यहाँ पर आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है MID के लिए और टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज वगैरह, टेम्परेचर मीटर आपको देखने को मिल जाता है। और तो और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है 10 इंच की स्क्रीन और इसका ब्लूअर कर देते हैं कम, ठीक है। तो ये 10 इंच की स्क्रीन है, ये आप देख सकते हैं, वेलकम टू फोक्सवैगन। नीचे आपको जो AC वेंट मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे नॉर्मल से, इसमें कोई स्टाइलिश और या क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं है और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सपोर्ट करता है। 10 इंच का है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, जो कुशाक में भी आपको देखने को मिलता है। वाईफाई एनेबल्ड है, यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट, ब्लैक क्रोम का इस्तेमाल हुआ है या आप पियानो ब्लैक फिनिश देख सकते हैं या सैटन ग्रे यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर कुछ पैटर्न का यूज़ हुआ है। और ये देखिए आप जो है इसमें ग्लोव बॉक्स जो कि कूल्ड है। नीचे बात कर लेते हैं तो नीचे आपको मिलने वाला है वायरलेस चार्जिंग भी, ये आप देख सकते हैं, और टाइप सी के दो पोर्ट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट और ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, दो ग्लास होल्डर, यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पर आपको फैब्रिक अपॉलिसी ही देखने को मिलेगी और ये बिन मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ऊपर की बात करें तो ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है वैनिटी मिरर में, यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM और रीडिंग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं दो, यहाँ पर कोई गॉगल होल्डर नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सो गाइज, आई होप आपको ये फोक्सवैगन की टाइगून का जो हाईलाइन वेरिएंट है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा फोक्सवैगन की टाइगून में और मैं कौन सी वीडियो गाड़ी पे वीडियो बनाऊँ, ज़रूर बताइएगा या कंपैरिजन लेकर के आना है। हालांकि मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी था तो गाड़ियों की वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, मैं अब धीरे धीरे करके फिर से ट्रैक पर वापस आने की कोशिश करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द ऑटो स्टूडियो। Bye, take care.